अस्सलाम वालेकुम जी। फिजिक्स की 10वीं की किताब बच्चा पढ़ रहा था, यकीन करें बड़ा तरस आया। मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ये फिजिक्स मैंने 10वीं 11वीं 12वीं और 9वीं में पढ़ा है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की एजुकेशन को निजाम देखें प्लीज, आप अंडरस्टैंड करें। मैंने बीबीए करना है, मैंने बिजनेसमैन बनना है, इस फिजिक्स की किताब का मुझे फायदा है। मैंने डॉक्टर बनना है, इस बीबीए की किताब का मुझे फायदा है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इस बीबीए इस फिजिक्स की किताब का मुझे फायदा है। ये दिमाग खा जाते हैं नवीं दसवीं में, माँ बाप से ही मार खाते हैं, सात दिन ट्यूशन पढ़ के। अब आप मुझे बताएं इसमें लिखा हुआ जनाब लेंस, अब लेंस में क्यों पढ़ू? मैंने तो बीबीए करना है आगे, मतलब मैं नवीं में बच्चा हूं इस टाइम, मैंने बीबीए करना है, मैं लेंस को क्यों पढ़ू? मैंने कैमरामैन बनना है आगे। आप मुझे बताएं ये किस दौर की किताब है कि जिसमें बता रहा है कि जनाब सेल के अंदर जो होता है, जो सेल होता है, जो जिंक और कार्बन उसमें होता है, कौन से दौर में आप रह रहे हैं? सेल कहां पे इस्तेमाल हो रहा है मुझे आप बताएं, कहां सेल में इस्तेमाल? मैं पैसे कमा लूंगा, मैं सेल खरीद लूंगा। फिजिक्स में ये आपको तीन सिर्फ इसमें जनाब न्यूटन। अब आप मुझे बताएं न्यूटन के लॉ का मैं क्या करूं? मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैं न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या करूं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन? मैंने डॉक्टर बनना है। जबरदस्ती ये किताबें पढ़ाई जाती है और अल्लाह का नाम लो, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम देखो, बाहर एजुकेशन सिस्टम देखो। जिस बच्चे ने बिजनेसमैन बनना है उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाओ, उसको तुम कोई और चीज सिखाओ, उसको बिजनेस एथिक्स सुनाओ, उसको कॉर्पोरेट लॉ सिखाओ तुम, ये तुम जनाब उसे सिखा रहे हो फिजिक्स। अब आप मुझे बताएं, मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स की है, मैंने 4 साल ये किताबें पढ़ी हैं, मुझे इस किताब का एक लफ्ज का फायदा नहीं हुआ। और पहिया सेंट्रीप्यूटल फोर्स लगेगी तो पहिया आगे हो जाएगा तो पहिया पीछे हो गया। और भाई फोकस करें कि किस चीज की जॉब्स हैं, किस चीज की स्किल्स के ऊपर जाएं। जब पैसे कमा लेंगे आप ऐसे गाड़ी खरीद लेंगे, मैंने गाड़ी थोड़ी बनानी, मेरे पास पैसे होंगे मैं गाड़ी खरीद लूंगा। बात सिंपल सी ये है, वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का नाम ले, बच्चों को जलील ना किया करें। ये 10वीं 9वीं के अंदर इस टाइम सारे बच्चे। अब आप मुझे बताएं ये लेंस है, इस लेंस का मैं क्या करूं? मैं 200 रुपए कमा के मैं ग्लासेस खरीद लिए, लेमन खरीद लिया, मैं लेंस मैं क्या खुद ऐनक बनाऊंगा? प्लीज रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि दुबई को फॉलो करें, यूके को फॉलो करें, अमेरिका को फॉलो करें। जिस बच्चे ने बचपन से बिजनेसमैन बनना है उसको फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, फिजिक्स वो पढ़ेगा जिसने इंजीनियर बनना है। इसमें एक बच्चा इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं बना, मुझे जबरदस्ती ये किताबें बचपन में पढ़ाई गई, अबू से भी कोट खाता रहा और टीचरों से भी कोट खाता रहा और हजार रुपया ट्यूशन का भी देता रहा। ये पाकिस्तान है, इसमें आप स्किल्स के ऊपर फोकस करें, बस इसको इतना पढ़े कि 33 नंबर लेके पास हो जाए, ज्यादा मेरी जान मेरे बच्चों इसके ऊपर दिमाग ना खपाओ। आपने डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स का फायदा नहीं, आपको बायोलॉजी का फायदा है, ठीक है। आपने डॉक्टर बनना है केमिस्ट्री का फायदा नहीं, आपने बिजनेसमैन बनना है इसका आपको फायदा नहीं है। आपने फिजिक्स में इंजीनियरिंग करनी है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इससे क्या ताल्लुक है मुझे बताएं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेल बनाएगा? प्लीज आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को और अपने आप को और इस निजाम को समझे। वालिदैन से रिक्वेस्ट है इस निजाम को समझे, बच्चों को पे इतना प्रेशर ना दें कि खुदकुशियां करने लग जाएं कि फिजिक्स में 99 नंबर क्यों नहीं आए। अल्लाह का नाम लें, बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएं, बच्चों को बताएं कि उन्होंने क्या करना है। ये फिजिक्स पढ़ के वो कुछ भी नहीं बन सकते, इसमें एक ऐसी लफ्ज एक नहीं है कि जिससे 1 रुपया वो कमा सके, इसमें कोई वो बात नहीं लिखी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट कैसे दिया आपको है?